ऑल गुड एंड एंजॉय योर लाइफ। टुडे आई एम हियर टू टेल यू अबाउट कि आप लोग घर पर ऑरेंज पील पाउडर कैसे बना सकते हैं, और इस पाउडर के साथ हम 4 डिफरेंट टाइप्स के फेस पैक्स बनाएंगे जिसका मेन इंग्रेडिएंट ऑरेंज पील पाउडर होगा, और उसको हम दूसरे इंग्रेडिएंट्स के साथ मिक्स करके डिफरेंट पर्पजेस के लिए यूज़ करेंगे। तो मेरी वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो पहले जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और उसके साथ मौजूद बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी हर न्यू आने वाली वीडियो आप तक पहुंच जाए। सो लेट्स स्टार्ट अवर वीडियो। तो इसके लिए सबसे पहले आप लोगों ने फ्रेश ऑरेंजेस लेने हैं और उनको पील ऑफ कर लेने हैं। ऑरेंजेस आप लोग खा लें या जूस बनाकर पी लें, लेकिन इनके छिलके आप लोगों ने नहीं फेंकने। तो हम ऑरेंज पील्स को ड्राई करेंगे, लेकिन ड्राई करने से पहले इसका वाइट पार्ट आप लोगों ने उतार लेना है, क्योंकि अगर आप इसका वाइट पार्ट इसके साथ ही ड्राई करेंगे तो आपका पाउडर बिल्कुल यूजलेस होगा, क्योंकि इसका कोई इफेक्ट नहीं आएगा। और वाइट पार्ट को तो इसके जो भी पील्स हम लोगों ने ड्राई करने हैं तो जल्दी से हम उसका वाइट पार्ट जो है वो अलग कर लेंगे। ऑरेंज पील पाउडर जो है वो क्या करता है, सबको पता है कि ये एनरिच होता है वाइटामिन सी से। सिट्रिक एसिड इसके अंदर बहुत ज़्यादा होता है। सिट्रिक एसिड एक्चुअली आपकी स्किन को एक्सफोलिएट करता है। इसके अलावा ऑरेंज पील पाउडर आपके पोर्स को अनक्लॉग करता है, जो कि ब्लैक हेड्स को रिमूव करता है। इट हेल्प्स अ लॉट टू ट्रीट योर एक्नी। इसके अलावा सन डैमेज स्किन के लिए बहुत अच्छा है, और एंटी इन्फ्लामेटरी है, जो कि आपकी इरिटेटेड स्किन को सूथ करता है। इसके अलावा बहुत ज़्यादा इसके बेनिफिट्स हैं, और ये फ्री में आप लोगों के घर में तैयार हो जाता है। इस जो जो चीज़ जो है वो इस वीडियो में मैं यूज़ करूँगी, उन सब के बेनिफिट्स और यूजेस जो हैं वो मैं अपनी डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूँगी। तो जो पील्स हमने ट्राई करने थे उन सब पे से हमने वाइट पार्ट जो है वो अलग कर लिया, क्योंकि अगर आप वाइट पार्ट इसका साथ ही ट्राई करते हो तो ग्राइंड करने के बाद ये पाउडर अगर आप यूज़ भी करते हो तो वो पाउडर आपके लिए यूज़लेस होगा, क्योंकि वो कोई भी इफेक्ट नहीं देगा। तो वाइट पार्ट रिमूव करना बहुत ज़रूरी है इसका, ठीक है। तो तकरीबन 4 से 5 दिन जो है वो आप उसको धूप में रखें और ये बिल्कुल ड्राई हो जाएंगे। आप देख सकते हैं कि इस टाइम अब ये ग्राइंड करने के काबिल हो चुके हैं, क्योंकि ये आराम से जो है वो बिल्कुल टूट रहे हैं, बिल्कुल ड्राई हो चुके हैं। अब हम जल्दी से अपने जो पील्स हैं, ड्राइड पील्स हैं, उनको ग्राइंडर में डाल के ग्राइंड कर लेते हैं ताकि हमारा एक फाइन पाउडर रेडी हो जाए और हम जल्दी से अपने फेस पैक्स जो हैं वो बना लें। तो जी, अच्छी तरह आप लोगों ने जो है वो अपना पाउडर बना लेना है। अगर आपका पाउडर बिल्कुल फाइन नहीं बनता तो आप उसको ग्राइंड करने के बाद सेव कर सकते हैं। तो ये हमारा पाउडर जो है वो बिल्कुल रेडी हो चुका है। कितना फ्रेश ऑरेंज कलर है इसका, और बिल्कुल फाइन पाउडर है ये, इसको सेव करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब हमारा पाउडर जो है वो बिल्कुल रेडी है फेस पैक्स के लिए। सो लेट स्टार्ट अवर फेस पैक्स। फर्स्ट फेस पैक जो है वो स्किन वाइटनिंग पर्पस के लिए है, जिसके लिए हमारे इंग्रेडिएंट्स हैं ऑरेंज पील पाउडर, संदलवुड पाउडर एंड रोज वाटर। ऑरेंज पील पाउडर का खुद कोई वाइटनिंग इफेक्ट नहीं होता, ये सिर्फ ग्लोइंग इफेक्ट देता है। इसमें जो संदल पाउडर हम लोग यूज कर रहे हैं एक्चुअली वो हमें ब्राइटनिंग इफेक्ट देगा। तो इसके लिए आपने 1 टेबल स्पून जो है ऑरेंज पील पाउडर लेना है, 1/2 टेबल स्पून हम संदलवुड पाउडर ऐड करेंगे, 1/2 इसके अंदर रोज वाटर ऐड करेंगे अबाउट 1 टेबल स्पून, के ये अच्छी तरह मिक्स हो जाए और इसका जो है वो फेस पैक रेडी हो जाए। एक्चुअली संदलवुड पाउडर हेल्प्स टू डू अवे विथ स्कार्स एंड मार्क्स दैट रेंडर इट द बेस्ट अल्टरनेटिव फॉर स्किन ब्राइटनिंग क्रीम। तो ये मास्क जो है वो आपकी स्किन वाइटनिंग के लिए या फेयर स्किन के लिए बहुत अच्छा है। आपने अच्छी तरह इसको मिक्स करना है। उसके बाद 10 to 15 मिनट्स जो है वो आपने अपने स्किन पे अप्लाई करना है, अपने फेस पे अप्लाई करना है, और उसके बाद उसको रिंस कर लेना है नॉर्मल वाटर के साथ। सो सेकंड फेस पैक जो है हमारा वो है एक्नी एंड पिगमेंटेशन के लिए। तो इस फेस पैक के लिए जो हमारे इंग्रेडिएंट्स हैं वो है ऑरेंज पील पाउडर और योगर्ट। इसके लिए 1 टेबल स्पून हम ऑरेंज पील पाउडर लेंगे,
और 1 tablespoon ही हम योगर्ट ऐड करेंगे। इसके अमाउंट आप लोग इंक्रीज़ भी कर सकते हैं जैसे आपको चाहिए। अगर आप 2 tablespoon ऑरेंज पील पाउडर लेंगे तो 2 tablespoon योगर्ट लेंगे। अच्छी तरह इसको मिक्स करेंगे और इसको भी अप्लाई करेंगे और 10 minutes के बाद इसको वॉश आउट कर लेंगे। योगर्ट जो है उसमें जिंक, कैल्शियम, विटामिन बी और लैक्टिक एसिड होता है। ये हमारे जो हमारे चेहरे पे सीबम निकलता है, सीबम प्रोड्यूस होता है जिसकी वजह से बैक्टीरिया होते हैं और जो एक्ने कॉज करते हैं ये उनको रिमूव करता है। थर्ड फेस पैक है इंस्टेंट रिजुविनेटिंग फेस पैक, और इसके लिए जो इंग्रेडिएंट्स हमें चाहिए वो हैं ऑरेंज पील पाउडर, लेमन जूस और हनी। इसमें हम 1 tablespoon ऑरेंज पील पाउडर लेंगे, 1/2 tablespoon हनी ऐड करेंगे, 1/2 lemon जो है वो इसके अंदर स्क्वीज करेंगे और उसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। इंस्टेंट रिजुविनेटिंग फेस पैक जो है ये बेबी सॉफ्ट स्किन के लिए है एंड यू कैन अप्लाई बिफोर गोइंग टू अ पार्टी। लेमन जो है वो हमारे स्किन पोर्स को क्लोज करता है और हमारी स्किन को टाइट करता है, हनी मॉइस्चराइज करता है और सॉफ्ट रेडियंट स्किन देता है। अच्छी तरह आपने इन तीनों चीज़ों को, तीनों इंग्रेडिएंट्स को मिक्स करना है, इसको अप्लाई करना है 10 to 15 minutes ऑन योर फेस एंड देन वॉश योर फेस। सो फोर्थ एंड द लास्ट वन इज एंटी टैन फेस पैक। इसके लिए जो हमें इंग्रेडिएंट्स चाहिए वो है ऑरेंज पील पाउडर, टर्मरिक और हनी। 1 tablespoon ऑफ ऑरेंज पील पाउडर, 1/2 tablespoon ऑफ हनी एंड ओनली 1 pinch ऑफ टर्मरिक। अगर आप इसके अंदर ज़्यादा टर्मरिक ऐड करेंगे तो वो आपकी स्किन पे कलर छोड़ जाएगा, इस वजह से आप लोगों ने थोड़ी सी टर्मरिक इसके अंदर ऐड करनी है। टर्मरिक एक्चुअली रिवाइव योर स्किन, ब्रिंगिंग नेचुरल ग्लो एंड नेचुरल एंटीसेप्टिक। टर्मरिक इज द बेस्ट नेचुरल एंटीसेप्टिक विच इज सो एक्सीलेंट फॉर योर स्किन टैन। हनी, टर्मरिक, लेमन जूस और योगर्ट जो कुछ भी हमने इसके अंदर ऐड किया है उन सब के यूजेस और बेनिफिट्स हैं वो मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगी, सो मस्ट रीड द डिस्क्रिप्शन। इसको भी आपने वैसे ही मिक्स करना है, अपने स्किन पर अप्लाई करना है और वॉश आउट कर लेना है। I hope you like this video. Share your views in the comment section. Like and share this video. Subscribe my channel. Allah Hafiz.